समझाने में असफल रही है, जिसके बाद मोदी सरकार ने इन कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी है। इस पर प्रदेश के कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि यह फैसला राष्ट्रहित में लिया गया है। मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रहित में कृषि कानूनों को वापस लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन में कहा कि किसानों को समझाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन किसान बात नहीं समझ पाए। कंवर ने कहा कि यह किसान आंदोलन नहीं बल्कि राजनीतिक आंदोलन है। उन्होंने कहा कि एमएसपी पर पूर्व में भी कोई कानून नहीं था, मोदी सरकार ने इसे 1.5 गुना बढ़ाया है। वहीं उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए जायका फेज 2 का आरम्भ किया गया है। जायका प्रोजेक्ट फेज 2 को 12 जिलों में लागू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि परंपरागत खेती से किसानों की आय दोगुनी नहीं हो सकती, इसके लिए अन्य नगदी फसलों की खेती आवश्यक है। इसमें 1010 करोड़ की व्यवस्था की गई है, जिसमें जिलों के अंदर सीए स्टोर व मार्केटिंग की व्यवस्था कर किसानों को ट्रेनिंग दी जाएगी। वीरेंद्र कंवर ने कांग्रेस की जन जागरण अभियान पर बोलते हुए कहा कि भाजपा ने 4 सालों में विकास कार्य किए हैं। मृत अवस्था में पड़ी कांग्रेस प्रदेश में महज औपचारिकताएं निभा रही हैं। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हार पर मंथन होगा, बीते समय में कहां कमी रही इस पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार अच्छा काम कर रही है, 2022 में दोबारा उनकी सरकार बनेगी। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।